बांग्लादेश में अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूनो सरकार को दरकिनार कर अब कट्टरपंथी ताकतें धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश में अपने पैर पसार रही हैं, जिसका खामियाजा वहां रह रहे न केवल हिंदू बल्कि बांग्लादेशी लड़कियों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि खुलेआम अब उनके बुर्का और हिजाब नहीं पहनने को लेकर मारपीट की जा रही है। बांग्लादेश में कट्टरता, बुर्के को लेकर क्रूरता, डरावना चित्र, महिलाओं से मजहबी रक्त चरित्र, देश में बिगड़े हालात, क्या कर रही यूनुस सरकार। बांग्लादेश अब कट्टरपंथी ताकतों की भेंट चढ़ चुका है। जहां पहले हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनके घरों में आग लगाई गई, उनकी आस्था पर हमला किया गया, हिंदू महिलाओं से बर्बरता की गई, और अब खुद बांग्लादेशी लड़कियां इनके निशाने पर हैं। खुलेआम इनसे सड़कों पर बुर्का नहीं पहनने को लेकर मारपीट की जा रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, उठक बैठक लगवाई जा रही है। कट्टरपंथी इस कदर हावी है कि पूरा बांग्लादेश मजहबी कट्टरता की भट्टी में धधक रहा है, और यूनुस सरकार अपनी आंखें मूंद कर इन ताकतों को खुली छूट दे रही है। साफ है कि बांग्लादेश शरिया शासन के रास्ते पर चल पड़ा है, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। जहां सामान्य कपड़े पहनने पर बांग्लादेशी लड़कियों पर हमले हो रहे हैं, खुलेआम सड़कों पर कुछ लड़के एक लड़की को कट्टरता की सजा दे रहे हैं, बुर्का नहीं पहनने पर उठक बैठक करवाई जा रही है, हाथों में डंडा लिया एक युवक डंडे बरसा रहा है, बुरी तरह लड़कियों को मारा पीटा जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि ना तो पुलिस सुनने को तैयार है और ना ही कोई इन लड़कियों को इंसाफ देने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि पिछले कुछ दिनों से सामान्य कपड़े पहनने पर लगातार लड़कियों पर हमले हो रहे हैं। जमात इस्लामी और बांग्लादेशी कट्टरपंथी चाहते हैं कि लड़कियां बुर्का और हिजाब पहने। यही वजह है कि जमात इस्लामी की छात्र शाखा ने बुर्का या हिजाब नहीं पहनने पर कॉक्स बाजार समुद्र तट पर लड़कियों को निशाना बनाया। वायरल वीडियो से साफ है कि जिस बात का डर था, वही तस्वीरें धीरे धीरे बांग्लादेश से सामने आ रही है। कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के उभरने से महिलाओं को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाल यह है कि अब बेलगाम कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस की भी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके बाद अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी अगर इतने हावी होंगे तो कैसे शांति होगी, और दूसरा सवाल ये कि कब तक कट्टरपंथी ऐसे ही महिलाओं को निशाना बनाते रहेंगे। इस वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे रिपब्लिक भारत के साथ।